चलिए, अस्सलाम वालेकुम बेटा। ये जो आज का हमारा सेशन है, बेसिकली जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज बेटा, दैट इज योर फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल ऑफ सीए, दैट इज कैफ सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। और जो हमारी डिस्कशन होगी आज पे, कि जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जिसको कैफ वन भी कहा जाता है, ये है क्या बेटा? ये सब्जेक्ट डिजाइन किया गया था ताकि आपकी अकाउंटिंग की जो बेसिक्स हैं उसको डेवलप किया जा सके आईकैप की तरफ से, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिनकी बैकग्राउंड जो है वो डेफिनेटली आपको पता है कि एफएससी की होती है, या आप कह रहे हैं कि आईसीएस होती है, साइंसेस के बच्चे होते हैं, तो उनको अकाउंटिंग का इतना आइडिया नहीं होता एज कम्पेयर टू जो बच्चे आई कॉम करके आए होते हैं या बी कॉम करके आए होते हैं। तो उनकी बेस को क्रिएट करने के लिए बेटा हम लोगों ने ये जो आई कैप ने ये सब्जेक्ट डिजाइन किया है, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो रेडी हो सके फॉर द टेक्निकल और क्रिटिकल पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग, जो कि नेक्स्ट आप लोगों ने डिस्कस करना है या पढ़ना है कैप 5 में जाके या आगे, सो ऑन। अच्छा, तो बेटा इस सब्जेक्ट की थोड़ी सी जो मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दूँ, ये है कि इट्स अ थ्रेटिकल पेपर। ये आपको जिस तरीके से आपने एएफसी अटेम्प्ट करना है कंप्यूटर के ऊपर एमसीक्यू सॉल्व करके, ये वैसे नहीं होगा। एमसीक्यूज इसमें भी होंगे बट दे आर मैनुअल, मैनुअल पेपर होगा बेटा ये, ठीक है? अच्छा, अब जो करिकुलम है आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का बेटा, कंसिस्ट ऑफ 13 चैप्टर्स, टोटल 13 चैप्टर्स है हमारे पास। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड अकाउंटिंग, इसके अंदर ये चीज आएगी कि आपकी अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, ठीक है? आपके बिजनेस किस तरह के होते हैं, कितने टाइप के, नेचर ऑफ बिजनेस किस किस्म के होते हैं, उसका इंट्रोडक्शन इसमें दिया गया है ताकि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग हो सके कि बिजनेस होती क्या चीज है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात की जाए तो किस तरीके से हम कंपनी के अकाउंट्स तैयार करके किस तरीके से उनकी रिपोर्टिंग करते हैं, किस तरीके से उनको स्टैंडर्डाइज फॉर्म में हम लेकर जाते हैं, तो ये उसका हम थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ेंगे चैप्टर 2 के अंदर। चैप्टर 3 जो है अकाउंटिंग इक्वेशन, किस तरीके से बैलेंस शीट, जो डेफिनेटली बैलेंस शीट जब तैयार की जाती है बताऊंगा कि वो होती क्या है, तो उसके लिए एक बेसिकली इक्वेशन है जिसको हम फॉलो अप करते हैं। तो अकाउंटिंग इक्वेशन वेयर द नेट एसेट्स इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज, इसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर बेटा हम लोग देखेंगे कि आपकी जो किस तरीके से आप ट्रांजैक्शन होती है, और ट्रांजैक्शन के जो इम्पैक्ट है वो कितनी तरह के होते हैं, किस तरीके से हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है? एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट्स, जो कि हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 के अंदर। लेजर अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे, फिर सेल्स डे बुक, परचेज डे बुक को हम बुक्स ऑफ प्राइवेट एंट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। बैड एंड डाउटफुल डेट्स जो है बेटा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप जो कंपनीज जो है आजकल जाहिर है काम क्रेडिट के ऊपर करती हैं, ठीक है? तो इस तरीके से समटाइम्स ये होता है कि पैसे मर भी जाते हैं, ठीक है? कुछ रिकवर नहीं हो पाते, उनका ट्रीटमेंट अकाउंटिंग क्या कहती है, कैसे ट्रीट करना है उनको, हम लोग इस चीज को हम लोग डील करेंगे। चैप्टर 7 जो है आपका, दैट इज बेस्ड ऑन अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, के जो हमारे कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो हम एडवांस में कर बैठते हैं, कुछ इनकम होती है जो हम एडवांस में रिसीव कर लेते हैं, अनअर्न इनकम लाइक, तो वो बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 के अंदर। इंश्योरेंस हो गई कि किस तरीके से उनको ट्रीट करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, वी विल डिस्कस इन चैप्टर 7 इंशाल्लाह। चैप्टर 8 जो है बेटा बैंक रिकंसिलिएशंस, दो तरह की बुक्स तैयार होती हैं, एक जो फर्म तैयार करती है और दूसरा जो उसके बैंक अकाउंट होता है, बैंक जिस बैंक के अंदर एक बैंक स्टेटमेंट तैयार होती है जो बैंक करता है, तो उनके दरमियान जो रिकंसिलिएशंस है, कुछ डिफरेंस अगर बैलेंस आ जाता है तो उसको हमने किस तरीके से रिकनसाइल करना है, चैप्टर 8 के अंदर हम उसके ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। चैप्टर 9 जो है बेटा करेक्शन ऑफ एरर्स, करेक्शन ऑफ एरर्स के अंदर हम जो डबल एंट्री सिस्टम हमने पढ़ा या कोई हमने एंट्रीज लेजर्स पीछे पढ़े, उनमें कोई मसला आ गया, ठीक है? अकाउंट्स के अंदर कोई किसी किस्म के कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हुए कोई इशू आ गया, उसको करेक्ट कैसे करना है, रेक्टिफाई कैसे करना है, वो हम पढ़ते हैं करेक्शन ऑफ एरर्स के अंदर, कि उनको रिवर्सल डालना है या क्या करना है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बेटा जो चैप्टर है, दैट इज बेस्ड ऑन IAS 16, जो स्टैंडर्ड है आपका, उसके ऊपर ये बेस करता है, और ये आपको ये बताएगा कि डेप्रिसिएशन जो आपका फिक्स एसेट है उसको डिफाइन करेगा क्या होता है, और उसके ऊपर आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो किस तरीके से चार्ज होगी, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये हम चैप्टर 10 के अंदर डिस्कस करेंगे। चैप्टर 11 जो इन्वेंट्री है, ये स्टैंडर्ड ये भी है एक अकाउंटिंग का, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम पढ़ेंगे, किस तरीके से हम इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, स्टॉक काउंट की जो इन्वेंट्री है वो किस तरीके, सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से हम लोग करते हैं, ये हम इन्वेंट्री के चैप्टर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट IAS 1 है जो हमारा स्टैंडर्ड, उसको वो बताता है कि हमने बैलेंस शीट कैसे बनानी है, इनकम स्टेटमेंट कैसे बनानी है, ठीक है? वो हम चैप्टर 12 के अंदर डिस्कस करेंगे। इन्वेंट्री का जो स्टैंडर्ड था, दैट इज IAS 2, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2।
फॉलोड बाय एंड चैप्टर जो हमारा 13 चैप्टर है दैट इज पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर कि किस तरीके से हम बिजनेस पार्टनरशिप्स को डील करते हैं, किस तरीके से कैलकुलेशन होती है प्रॉफिट एंड लॉसेस की, किस तरीके से गुडविल कैलकुलेट की जाती है, तो बेटा ये हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 के अंदर। अच्छा, एक बात जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा आप लोगों को आइडिया होना चाहिए, दैट इज कि जो आपकी अकाउंटिंग है इसके अंदर जो सबसे मेजर रोल प्ले करेगा दैट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन। बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन देता है हमेशा आईकैप इसके अंदर, जो वेरी करता है कोई 17-18 नंबर से लेकर कोई 20-22 नंबर का क्वेश्चन इसमें से लाजमी वो उठा के देता है, फॉलोड बाय पार्टनरशिप 8-10 नंबर का मिनिमम पार्टनरशिप का क्वेश्चन लाजमी पेपर के अंदर आता है। तो बेटा ये जो की आप कह लो के चैप्टर्स हैं तो जहां से मेन पेपर जो है वो आपका लाजमी आईकैप जज करेगा, वैल्यूएट लाजमी करेगा आपको। अच्छा बेटा, यहाँ तक इंट्रोडक्शन समझ आ गया, ये सब्जेक्ट है क्या? जी। अच्छा, जो फर्स्ट बुक में क्या होगा बेटा, जो आपका स्कोप ऑफ द सिलेबस है वो बुक से बियॉन्ड नहीं होगा, लेकिन अगेन क्वेश्चंस की नेचर आईकैप आपको जहर एवेल्यूएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्चुअल अप्रोच, तो बुक से तो पेपर नहीं वो उठाएगा, कॉन्सेप्ट सारे यही होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स यही होंगे, हर चीज यहां से होगी, बट तरीकेकार उसका एवेल्यूएशन का अपना होगा, ठीक है, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर सिलेबस नहीं होगा। और अकाउंटिंग बाय प्रैक्टिस है बेटा, जितनी प्रैक्टिस आप इसके क्वेश्चंस की करेंगे जो टाइम वक्त के साथ-साथ करेंगे इंशाल्लाह, तो बेटा ये सारी बेस करती है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है। अबाउट 20-30% ऑफ द पेपर कंसिस्ट ऑफ थ्योरेटिकल पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट में भी वो न्यूमेरिकल का पेपर बनाएगा जो पहले 3-4 चैप्टर्स हैं, ठीक है, और उसमें से ही वो आपको एवेल्युएट करेगा। जी जी, मैंने इसका पास्ट पेपर चेक किया था तो उसमें तो थ्योरी कहीं भी नजर नहीं आई थी। मैं वही बता रहा हूँ ना, जो थ्योरी के 3-4 चैप्टर्स हैं वो भी न्यूमेरिकल की फॉर्म में वो एवेल्युएट करेगा। कैसे करेगा, जब मैं आपको साथ साथ ये करवाता जाऊंगा तो मैं आपको आइडिया देता जाऊंगा कि किस तरीके से वो एवेल्युएट करेगा आपको, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट इसके अंदर चीज है जो डिस्कस करने वाली है कि अब उसमें इसने आईकैप ने इसके अंदर एमसीक्यूज भी ऐड कर दिए हुए हैं, ठीक है, तो को वो आपको 20 हाँ को वो आपको वो एमसीक्यूज भी वैल्यूएट करेगा, तो एमसीक्यूज वही बच्चा अटेम्प्ट करेगा जिसके कॉन्सेप्ट इसके अंदर अच्छे होंगे, ठीक है। तो हमने हर चीज को मेंशन मद्देनजर रखते हुए हमने हर चीज को लेकर चलना है साथ साथ। तो बिजनेस की बात करते हैं, चैप्टर 1 जो है आपका दैट इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एंड अकाउंटिंग, होता क्या है, बिजनेस क्या होती है और अकाउंटिंग क्या होती है, तो इसके ऊपर आज की हमारी डिस्कशन, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी डिस्कशन आज इस पे नहीं करूंगा, जस्ट आपको मैंने तो वो इसका इंफॉर्मेशन दूंगा इसकी कि ये है क्या, जस्ट आपको कॉन्सेप्चुअल अप्रोच देने के लिए। तो बेटा बिजनेस क्या होती है, क्या आइडिया आप लोगों के माइंड में, किस चीज को कहते हैं बिजनेस? बिजनेस एनी टाइप ऑफ लेन-देन जिसके प्रोसेस में हम उसके रिप्लेसमेंट में मनी अर्न करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं। देखिए बिजनेस होता क्या है जी, हम ऐसी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं जिसका पर्पस होता है कि वो हमें कोई ना कोई रिटर्न दे, ठीक है। अब वो जो सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं उसके साथ साथ उसके अंदर जाहिर है सिर्फ एक्टिविटीज नहीं होती, कुछ हमारी इन्वेस्टमेंट होती है इन द फॉर्म ऑफ एसेट्स हो गई, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, उन चीजों को मैनेज करते हैं ताकि हमें कोई ना कोई उसकी आउटपुट कोई रिटर्न मिल सके। अगर मैं इसको एक स्पेसिफिक वो नाम दे दूं तो ये कोई लीगल एक्टिविटी होती है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं बिजनेस को, कि इट्स अ सेट ऑफ इट्स अ लीगल एक्टिविटी बेसिकली जो कि हम परफॉर्म करते हैं फॉर द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी क्या होगी, जब एंटिटी का लफ्ज़ साथ निकल जाएगा तो वो होगा कि वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन जो कि वो काम करेगी, यानी वो सेट ऑफ लीगल एक्टिविटीज जो होगी, वो जो लीगल एक्टिविटीज होगी वो जो कंपनी परफॉर्म करेगी तो वो बिजनेस एंटिटी कहलाएगी। पर्पस तो यही होगा ना कि उसने प्रॉफिट अर्न करना है, तो बिजनेस और बिजनेस एंटिटी इसके बारे में आपको समझ आ गया, दोनों के दरमियान डिफरेंशिएशन समझ आ गई? यस सर। इरम बेटा आपको समझ आ गई? जी सर। नूर बेटा आपको? जी सर। अच्छा, अब बिजनेस हम करते क्यों है, तो सबसे पहले तो जो उसका कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज के हम लोग बिजनेस करते हैं ताकि हम प्रॉफिट अर्न कर सके। अब हमें प्रॉफिट अर्न करना है तो कैसे करना है, देखें या तो हम कोई किसी चीज के हम सप्लायर होंगे, हम गुड्स सेल करेंगे, ठीक है, कोई प्रोडक्ट बनाएंगे उसको बेचेंगे। अब मैंने आपको शायद क्लास में पहले भी डिस्कस किया था कि आइदर हम या तो खुद चीज बनाते हैं या हम बनी बनाई चीज खरीदते हैं और उसको आगे बेचते हैं,
तो ये दो कॉन्सेप्ट है जी, एक मैन्युफैक्चरिंग है और एक ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट आ जाता है। तीसरे नंबर पर सर्विसेज है जो कि मैं कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग मेरे कस्टमर्स हो, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, इस सर्विसेज के एवज में आप लोगों से पैसे लूंगा, तो वो मेरा क्या होगा। अब देखो मेरा मोटिव क्या है, मोटिव मेरा यही है कि मैंने पैसे कमाने, मैंने प्रॉफिट कमाना है। तो ये बेसिकली हम लोग बिजनेस करते इसलिए ताकि हम लोग प्रॉफिट अर्न कर सकें, और वो कैसे, या सप्लाई गुड्स या सर्विसेज, ठीक है। तो अगेन जब सप्लाइंग की बात आती है तो उसमें दो कॉन्सेप्ट आ गए, एक ट्रेडिंग जो बिजनेस आ जाता है और एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आ जाता है, जो कि थर्ड पॉइंट आपका लिखा भी हुआ यहाँ पर कि बिजनेस दैट सप्लाई गुड्स माइट टेक दोस गुड्स और बाय देम फ्रॉम अदर पार्टीज, ठीक है। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग वो दोनों की बात कर रहे हैं। अब प्रॉफिट होता क्या है, बेसिकली प्रॉफिट होता है जो आप रिस्क उठाते हो, बेसिकली उसका आपको रिवॉर्ड जो होता है वो प्रॉफिट कहलाता है। अब रिस्क क्या है, रिस्क ये है कि आपकी जो कह लो कि आप पास पैसे थे, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने बड़ी अच्छी एक एग्जांपल भी दी थी कि एक बंदा है वो 100 किलो एप्पल खरीदता है या कोई फ्रूट खरीदता है मार्केट से, ठीक है, तो उसके सारे तो नहीं बिकने होते, तो उसका रिस्क क्या होता है, उसका रिस्क होता है कि वो उन चीजों के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है जो उसकी बिकनी ही नहीं है। यानी कि एक फूड रिटेलर अगर 100 केजीज किसी फ्रूट के वो करता है और उसको 100% वो सेल आउट नहीं कर पाता, तो वो रिस्क क्या उठा रहा है कि वो उन चीजों को बारे में पे करके चीज खरीद रहा है जो उसको बाद में फेंकनी पड़नी है, लेकिन वो फिर भी विलिंग है कि वो ये रिस्क उठाएगा। वो इसलिए उठाएगा कि अगर तो उसकी सेल आउट होती है तो डेफिनेटली ही हैज प्रॉफिट, बट अगर वो चीज रिस्क ही नहीं उठाएगा, अगर वो चीज के ऊपर इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगा, वो चीज बेचेगा ही नहीं, तो वो प्रॉफिट कैसे अर्न कर सकता है। तो प्रॉफिट तो तभी अर्न होगा ना जब वो रिस्क उठाएगा। तो प्रॉफिट बेसिकली कहते हैं कि इज द रिवॉर्ड फॉर एक्सेप्टिंग दैट रिस्क। बात समझ आ गई, क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा, अब जो प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस है बेटा वो उसके ऑनर्स का होता है। डेफिनेटली मैं एक बिजनेसमैन हूं अगर, तो मैंने कोई सर्विसेज या गुड्स सप्लाई कर रहा हूं मार्केट में, तो जो उसके ऊपर मैं कमाऊंगा दैट इज माय प्रॉफिट, ठीक है, वो मेरा प्रॉफिट है, मैंने वो कमाया है क्योंकि मैंने उस पर रिस्क उठाया था, ठीक है। अच्छा, अब एंटिटीज अगेन मैं उसकी बात करूंगा जो मैंने पहले भी की कि हमारे पास तीन तरह की एंटिटीज होती है जिसको हम यूजुअली डील करते हैं। एक होता है हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा हमारे पास पार्टनरशिप, और तीसरा हमारे पास होती है कंपनी है जिसको लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी भी कहते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं। सोल प्रोप्राइटर वो होता है जो जहां पर बिजनेस का एक ही ऑनर होता है, ठीक है, और वो बुरे और भले दोनों का जिम्मेदार वो खुद होता है, जाती तौर पर हर बिजनेस के हर बुरे भले का वो खुद जिम्मेदार है। तो सोल प्रोप्राइटर द पर्सन या द बिजनेस ऑफ अ सोल ट्रेडर इज ऑन एंड मैनेज बाय वन पर्सन ओनली, ठीक है। जितनी लीगल लाइबिलिटीज पड़ेगी, ऑब्लिगेशंस होंगी उस बिजनेस की, वो सारी किसकी होंगी, वो एक ऑनर की होंगी। यानी कि अगर सपोज करो कि रावल अगर बिजनेस कर रहा है, तो रावल अगर सोल प्रोप्राइटर है, तो जो रावल का बिजनेस का लॉस होगा या जो उस पर उसने किसी का लेन देन करना है, तो उसका जिम्मेदार रावल है, मैं नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है। अब इसको हम जरा एक स्टेप और अहेड लेकर जाते हैं, अहेड ये लेकर जाते हैं कि उस बिजनेस का जो टैक्स होगा वो जिम्मेदार उसका ऑनर होगा, ठीक है, उसके जितने डेट्स होंगे वो उसका ऑनर उसका जिम्मेदार है। अगर ऑनर मर जाता है तो बिजनेस खत्म। ये सोल प्रोप्राइटर का कह लें कि एक डिसएडवांटेज कह लेंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट कह लें, कि कुछ कंडीशंस में भी आ जाती हैं कि अगर वो किसी के हवाले करके ना जाए। नॉर्मली ये है कि जब आपका सोल प्रोप्राइटर की अगर डेथ हो जाती है तो आपका बिजनेस वहीं पे सीजेस टू एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है, कोई सक्सेशन उसकी परपेचुअल सक्सेशन नहीं होगी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो जो दूसरी फॉर्म है इसकी, दैट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कहते हैं जहां पर एक या एक से ज्यादा टू से ज्यादा पर्सन जो होते हैं वो ज्वाइन करते हैं आपस में, ठीक है, इन एन एग्रीड रेशियो। कि वो अब होता क्या है कि उनकी आपस में एक टर्म डिसाइड हो गई होती है कि जी हम ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे हम लोग ये बिजनेस जो है वो ऑपरेट करेंगे, ठीक है, और करते क्या है। अब या तो सारे पार्टनर्स मिलके काम कर रहे होते हैं या कोई एक पार्टनर होता है जो सबके बिहाफ पे काम कर रहा होता है, तो उसमें सारी कंडीशंस शामिल है। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है आपका। अब पार्टनरशिप में क्या होता है, सबसे पहला करेक्टरिस्टिक तो उसका ये हुआ कि वहां पर दो या दो से ज्यादा पर्सन होने चाहिए बिजनेस चलाने के लिए,
ठीक है, और अगर बिजनेस के ऊपर कोई अनपेड डेट्स हैं या कोई अदर लीगल ऑब्लिगेशंस हैं तो उसके जिम्मेदार वो सारे पार्टनर्स हैं, वो सारे ओनर्स हैं उस बिजनेस के जिन्होंने मिलकर वो पार्टनरशिप की हुई है। बात समझो मेरी? ठीक है, जो प्रॉफिट्स होते हैं वो बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर एक स्पेसिफिक परसेंटेज या रेशो कह लो या एग्रीड वे कह लो कि वो जो भी उन्होंने जिस तरीके से डिसाइड किया हो उसी तरीके से उसको वो आपस में डिवाइड करते हैं, या जो इनकम टैक्स उन्होंने पे करना है या टैक्सेबल जो टैक्स पेएबल है उनका, उसके अकॉर्डिंगली उस रेशियो उस एग्रीड वे के मुताबिक उन्होंने पे आउट करना है। अगर एक पार्टनर मर जाता है तो पार्टनरशिप वहां पर उस बंदे की वहां पे चीज खत्म हो जाती है, ठीक है, वहां पे कोई परपेचुअल सक्सेशन उसकी नहीं चलती। एक बात याद रखिएगा, पार्टनरशिप के अंदर कोई भी जो आप टर्म ऐड करते हो वो एक एग्रीड रेशियो होती है, ठीक है, आपके एसेट जो है वो आप पार्टनर्स के दरमियान डिवाइड होंगे तो एग्रीड उसी एग्रीड रेशियो के अकॉर्डिंगली होंगे, प्रॉफिट्स जो आपस में डिवाइड होंगे वो उसी एग्रीड रेशियो के अकॉर्डिंगली होंगे, ठीक है। जब कोई पार्टनर या ऑनर बिजनेस में से अपनी जातियात के लिए कोई पैसे विदड्रॉ करता है या कोई गुड विदड्रॉ करता है तो उसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। ये बात याद रखिएगा, ये बड़ी टर्म आगे यूज हो रही है हर जगह पे, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कैश और अदर एसेट्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ऑफ द पार्टनर्स इज नोन एज ड्रॉइंग्स, ये याद रखिएगा। अब जब पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में होती है कि हर पार्टनर उसके अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब वो कैपिटल कैसे डिसाइड होता है वो भी आप एग्रीड वे के अंदर कर सकते हो, ठीक है, होता ही उसके अंदर है। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट थे सारे पार्टनरशिप बिजनेस के। यहां तक किसी को कोई मसला मसाइल हो, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो पूछने वाला, कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। कंपनी की बात कर लेते हैं आगे। अच्छा, अब कंपनी को डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक बात यहाँ पे बताता चलूं कि कंपनी जो है इसके लिए एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो करते हैं हम लोग, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये लिख नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि बिजनेस एंड इट्स ऑनर्स आर टू सेपरेट एंटिटीज, दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के एक सेपरेट लीगल पर्सन के तौर पे एक स्टेटस है उसका, ये लॉ कहता है हमारा, ठीक है। अब हुआ ये है कि कंपनी क्या होती है, कंपनी के अंदर दो तरह की हम बातें करते हैं। एक तो ये कि कंपनी कैपिटल जनरेट करती है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, ठीक है, वो नंबर ऑफ शेयर्स इशू करती है। उसके ऑनर्स कैसे बनते हैं कि जो बंदा उस कंपनी के शेयर्स खरीदेगा वो उस कंपनी का ऑनर का ऑनर कहलाएगा। अब एक कंपनी अगर वो 100 शेयर्स इशू करती है, ठीक है, अगर कोई बंदा उसमें से 40% शेयर्स बाय कर लेता है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी ऑनरशिप उस कंपनी के अंदर कितनी है, वो 40% ही है। बात समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा, अब मजीद के मैं इसको, अच्छा, अब वो जो लोग उस कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं उनको हम लोग शेयर होल्डर्स कहते हैं। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन मैं आप लोगों को एक डिफरेंशिएशन बता दूं दो डेफिनेशंस के दरमियान, एक होता है स्टेक होल्डर्स और एक होता है शेयर होल्डर्स। There is a difference between the stakeholders and shareholders. ये मैंने शायद पहले भी आप लोगों से कभी डिस्कस किया हो। तो शेयर होल्डर्स वो होते हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर बाय किए होते हैं, दे आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी, बट स्टेक होल्डर्स आर नॉट द ऑनर्स ऑफ द कंपनी। बात समझ आ रही है? स्टेक होल्डर्स क्या है, वो आपकी कंपनी के ऑनर नहीं होते। वो कौन होते हैं, वो स्टेक का मतलब क्या, इंटरेस्ट। जिस बंदे का भी आपकी कंपनी के अंदर कोई ना कोई इंटरेस्ट है, चाहे वो बैंक है, चाहे वो आपका कस्टमर है, चाहे वो आपका सप्लायर है, ठीक है, चाहे वो उसके ऑनर्स ही क्यों ना हो, चाहे वो उसके एम्प्लॉय क्यों ना हो, वो उसके स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। शेयर होल्डर्स आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी, वेयर एज ऑल द स्टेक होल्डर्स आर नॉट द ऑनर्स ऑफ द कंपनी एक्सेप्ट शेयर होल्डर्स। बात समझ आ गई यहां तक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो खुद बिजनेस को रन नहीं करते, उन्होंने आगे मैनेजर्स रखे होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है। एक जो कंपनी होती है उसका हायरार्की क्या होती है कि उसके अंदर एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसके शेयर होल्डर्स में से ही बनते हैं, ठीक है। सारे शेयर होल्डर्स भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हिस्सा नहीं होते, ठीक है। वो मिलकर एक सीईओ को इलेक्ट करते हैं, सीईओ के आगे फिर एक पूरी हायरार्की बनती है, सीएफओ होता है, सीईओ होता है, ठीक है। फिर आगे इस तरीके से उनके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आ जाते हैं, ये तीन मेजर बंदे होते हैं कंपनी के। उसके बाद फिर आगे उसकी हायरार्की
आगे फर्दर आगे डिवाइड होती जाती है, मैनेजर्स आ जाते हैं, फिर सुपरवाइजर्स आ जाते हैं, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर्स, फिर सुपरवाइजर्स, फिर आगे सो ऑन लेवल तक. तो ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर उसका कंपनी का चल रहा होता है. तो कंपनी ऑपरेट करती है इस तरीके से. अब वो आपका कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट आपके ये कहते हैं कि जो कंपनीज होती हैं, जो बड़ी कंपनीज होती हैं, उनके जो शेयर्स होते हैं वो लार्जर होते हैं, ठीक है, वो ज्यादा इशू करती हैं शेयर्स, ठीक है, इसलिए उनके शेयर होल्डर्स भी ज्यादा होते हैं. अच्छा, अब बात सारी ये, जिस तरह मैंने पहले बताया कि शेयर होल्डर्स डू नॉट मैनेज द बिजनेस, स्पेशल मैनेजर्स आर हायर्ड और एम्प्लॉयड, जो जिनको डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी भी कहते हैं, टू रन द कंपनी ऑन द बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स, ठीक है. इसको हम कहते हैं, दिस इज समटाइम्स रेफर टू एज सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम कंट्रोल, यानी जो ऑनर्स होते हैं दे आर नॉट रनिंग द कंपनी, स्पेसिफिक मैनेजर्स आर हायर्ड, वो ही कंट्रोल करते हैं आपके जो इंटरनल आपकी जो रनिंग है, जिसमें आपकी सारी सारा कुछ आता है, प्लानिंग हो गया, कंट्रोल हो गया, प्रोडक्शन हो गई, सारी वो ही कंट्रोल करते हैं, बट वो क्या होते हैं, आंसरेबल होते हैं टूवर्ड्स द शेयर होल्डर्स. एनुअल जनरल मीटिंग होती है पर ईयर, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर वो क्या करते हैं, वो आपको रिपोर्ट पेश करते हैं वहाँ पे, जिसको हम एनुअल रिपोर्ट भी कहते हैं, जिसमें आपकी कंपनी की पूरे साल की कारकर्दगी उसमें दिखाई जाती है. यहाँ तक मसला ओके है, समझ आ रही है? यस सर. स्पीड ज्यादा तो नहीं है? नो सर. वो एक आया जरा नूर बताओ. अब जब कंपनी के ऊपर कोई लाइबिलिटी आएगी या कंपनी के ऊपर कोई केस होगा या कंपनी किसी लीगल ऑब्लिगेशन में होगी तो कंपनी जिम्मेदार होगी, उसके ऑनर जिम्मेदार नहीं होंगे. अगर ऑनर जिम्मेदार होंगे तो वो उस एक्सटेंट तक होंगे जिस हद तक उन्होंने उस कंपनी के शेयर खरीदे हुए. एक कंपनी बंद हो रही है, ठीक है, उसके टोटल एसेट्स हैं 1,00,000 के, और उस कंपनी ने जो पे करने हैं लोगों के डेट्स वो कितने, वो हैं 4,00,000 के. बात समझ आ रही है? एक तो ये कि उसके एसेट्स 1,00,000 के बेच के तो 1,00,000 लोगों का पूरा कर दिया जाएगा. अब वो जो ऊपर वाला 3,00,000 है वो किस तरीके से मिलेगा? वो इस तरीके से मिलेगा कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनके जितने जितने शेयर्स का हिस्सा उनका बनता है, आइदर वो 4,00,000 पूरा करे या ना करे, वो सिर्फ उस हद तक लिमिटेड लाइबिलिटी भी इसलिए कहते हैं कि उनकी लाइबिलिटी उस हद तक लिमिटेड है जितने उन्होंने उस कंपनी के शेयर खरीदे हुए. बात समझ आ गई? यानी कंपनी अपने डेट्स की खुद जिम्मेदार है, उसके ऑनर्स उसके डेट के जिम्मेदार नहीं है. आगे बेटा इसके आगे जी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इसको देख लेते हैं एक नजर. ये जो बिजनेस स्ट्रक्चर है सोल ट्रेडर का, पार्टनरशिप का, कंपनी का, जी सोल ट्रेडर में जी 1% ओनली, पार्टनरशिप में सेपरेट इंडिविजुअल्स आ जाते हैं और कंपनी के तो शेयर होल्डर्स की बात आ जाती है. लाइबिलिटी जो है वो उसमें पर्सनल लाइबिलिटी ऑनर की होती है सोल ट्रेडर के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर बेटा पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स इन्वॉल्व होते हैं, और कंपनी के अंदर टू द लिमिट ऑफ द शेयर्स जो कि शेयर होल्डर्स ने बाय किए होते हैं उस हद तक लिमिटेड हो जाता है काम, ठीक है. मैनेजमेंट जो होती है सोल ट्रेडर के अंदर, मैनेजमेंट जो है वो ऑनर खुद ही मैनेज करता है बिजनेस को, पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स उसको डील करते हैं, लेकिन कंपनी के अंदर वो प्रोफेशनल मैनेजर्स को हायर करते हैं जो कंपनी की रनिंग, जो कंपनी को रन करते हैं, उसके ऑपरेशंस को देखते हैं. कैपिटल किस तरीके से उसका लिया जाता है? कैपिटल का तरीका बेटा ये है कि सोल ट्रेडर जो होता है वो तो पर्सनली इन्वेस्ट करता है बिजनेस के अंदर जितने भी पैसे हों उसके पास. पार्टनरशिप की अगर बात की जाए तो कैपिटल जो है वो पार्टनर्स मिलके इन एन एग्रीड वे या एग्रीड रेशियो उसके तहत वो पार्टनर्स कैपिटल जो है वो उसमें ऐड कर देते हैं. लेकिन अगर कंपनी की बात की जाए, खासतौर पे पब्लिक कंपनीज की, जिसके जो वो हैं जो शेयर्स हैं वो स्टॉक मार्केट के ऊपर जो ट्रेड होते हैं, तो उनके लिए क्या चीज़ है कि वो कैपिटल कैसे रेज करते हैं कि वो शेयर्स इशू करते हैं, लोग उनके शेयर्स जो है वो बाय करते हैं और इस तरीके से वो शेयर होल्डर बन जाते हैं और कंपनी के पास पैसा चले जाता है तो वो अपनी नीड्स को पूरा कर लेते हैं. सोल ट्रेडर के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, बस कुछ हद तक जरूरी होता है क्योंकि उसमें टैक्स पे करना होता है तो टैक्स के लिए हमें पूरा रिकॉर्ड जो है वो वहाँ पर सबमिट करवाना होता है आपके डिपार्टमेंट के अंदर. पार्टनरशिप के अंदर भी सेम यही केस है, टैक्स पर्पज के लिए या पार्टनर्स के अपने बेनिफिट के लिए हम यूज करते हैं, बट कंपनी के लिए जो आपका कंपनीज एक्ट 2017 है जो कि रिप्लेस हुआ है कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 से, तो
उसके अंदर बेसिकली क्या थी कि वो ये कहता है कि कंपनी के लिए जरूरी है कि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करे, अकाउंट्स अच्छे तरीके से मेंटेन करे और उसका ऑडिट करवाए, ठीक है, ये उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज है जो उसने पूरी करनी ही करनी है, अदरवाइज कंपनी जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकती, क्योंकि एफबीआर उस रिपोर्ट को कंसिडर करेगा जब उसका ऑडिट हुआ होगा। बात समझ आ गई है बेटा? यहाँ तक आपको मैंने आज जो इंट्रोडक्शन दिया है 3 types of businesses का, आप लोगों को यहाँ तक को मसला मसाइल हो? नो सर। बेटा ये थी हमारा आज का इंट्रोडक्टरी लेक्चर कैफ 1 का। होप सो कि आपको जो मोटी मोटी बातें हैं वो सारी समझ आ गई होंगी, एक छोटा सा आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि बिजनेस होते क्या है, ठीक है, किस तरीके से उनको ऑपरेट किया जाता है। ये सारी वो बातें थी जो मेरी आप लोगों से आज करनी बड़ी जरूरी थी। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो बेटा मुझे बताइएगा, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो अगर आज के लेक्चर के रिलेवेंट। कोई नहीं है, पक्की बात है जी।